हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करने की बात जहाँ तक है तो जहाँ वीडियो पसंद आए वहाँ वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं ये अपना लॉकडाउन का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। तो मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। स्कूल बंद होने की वजह से जो मेरा रूटीन अप हो गया है लॉकडाउन की वजह से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन। सुबह सुबह यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। ये मैं आम की चटनी बनाने जा रही हूँ, तो कच्चे आम मैं छिल रही हूँ। जो कि बाबू आई तो मैंने उसे ऑफर किया, उसे खट्टा लगा, उसे अच्छा नहीं लगा। तो वो हमारे गांव से कटहल आया था जिसे मैं यहाँ पे छिल रही हूँ। तो कटहल छिलना थोड़ा टफ होता है, बाज़ार से लो तो सब्ज़ी वाला छिल कर देता है, बट ये मेरे गांव से आया था इस वजह से मुझे छिलना पड़ रहा है। और यहाँ बाबू मुझे कॉपी कर रही है कि मैं कैमरे में जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे शक्ल बनाकर वो बोल रही है। तो यहाँ मेरा किचन का काम बिल्कुल फिनिश हो चुका, मॉर्निंग का काम। बाद में तो फिर से मुझे किचन में आना है, बट ये मॉर्निंग का काम मैंने फिनिश कर लिया, सारे डिशेस कर ली। तो अब मैं जाऊँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरीज मंगाई थी और थोड़ी सब्जियाँ मंगाई थी जो मैं अनटच्ड छोड़ जिसको मैंने अनटच्ड छोड़ दिया था। तो अब मैं उसको अरेंज कर रही हूँ। 24 आवर्स मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, फिर भी मैं पूरे प्रिकॉशन के साथ इन्हें वॉश करूँगी और तब जाकर अरेंज करूँगी फ्रिज में। अब मैं थोड़ा सा घर क्लीन करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, बेड वगैरह ठीक करूँगी, उसके बाद शावर लूँगी, थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं धुलूँगी, और उसके बाद फाइनली मैं फ्री होकर, नहीं मैं आराम नहीं करूँ। पटना में भी काफ़ी क्लाउडी हो रहा है वेदर, तो वो जो तूफान आने वाला है उसका असर यहाँ भी पता चल रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी बारिश होगी क्योंकि बहुत सारे बादल आ चुके हैं। बस एडिटिंग का काम करूँगी और थोड़ा सा स्कूल का काम, दोनों काम मैं करती हूँ। अप्रॉक्स मैं इस डेस्क पर 2 से 3 घंटे यूजुअली बिताती हूँ हर डे। मीन्स ये मेरे डेली का डोज है, मैं 2-3 घंटे इस डेस्क पे आती हूँ। और उसके बाद मैं जा रही हूँ पाताल लोक फिनिश करने। कल मैंने देखा था आधे से ज़्यादा, और 2 एपिसोड बचे हैं जो कि मैं आज फिनिश कर लूँगी। सो यहाँ पे हमारा टी टाइम हो चुका है, बाबू सोकर उठी है तो मैं उसको थोड़ा एंटरटेन कर रही हूँ, क्योंकि सोकर उठने के बाद वो मुझसे चिपकी रहती है। बिल्कुल वो ऐसे भी चिपकी रहती है, बट इस टाइम ज़्यादा वो चिपकी रहती है। तो मैं थोड़ा सा किचन अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं छोड़कर सुबह मैंने सब कुछ कर लिया था, बट स्टिल शाम तक किचन वैसे ही तहस नहस हो जाता है। तो मैं वो कर रही हूँ, थोड़ा अरेंज कर रही हूँ जो थोड़ा बहुत बच गया है। लंच में हमने आज राजमा और चावल खाया था, तो जो थोड़ा सा बच गया है उसे मैं छोटे बर्तन में रख रही हूँ ताकि मैं डिशेस कर लूँ। तो उसके बाद हम चाय पियेंगे। Have
can see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. और यहाँ देखते देखते हो चुका है डिनर का टाइम, और वो बहुत ज़िद कर रही थी कि वो हेल्प करेगी मेरी, तो वो भी किचन में आ चुकी है, स्लैब पे बैठी है और थोड़ा बहुत नमक वगैरह वो डाल रही है, जैसे उसे फील हो रहा है कि वो ही बना रही है डिनर आज का। तो इसके बाद मैं सब्ज़ी जब तक मेरी हो रही है तब तक मैं बर्तन धुल लूँगी जब तक उधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का पूरा रूटीन? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने डिनर वगैरह बना लिया है, अभी डिनर हम लोगों ने किया नहीं है, 9:15 हो रहे हैं, 10 बजे के अराउंड मैं बेड पे चली जाती हूँ। तो अभी 45 मिनट्स हैं, मैं कुछ थोड़ा लैपटॉप वगैरह देखूँगी और उसके बाद बेड पे जाऊँगी। तो और अम्फान बिल्कुल आ चुका है, पूरे दिन क्लाउडी था वेदर, हल्की सी बारिश भी हुई है शाम में, तो अम्फान का असर यहाँ भी है पटना में, मैं पटना की बात कर रही हूँ। तो बस ये पूरा दिन कंप्लीट किया ऐसे हम लोगों ने, और दोपहर में आई थिंक 3 घंटे मैं डेस्क पे थी, यहाँ लैपटॉप यूज़ कर रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाताल लोक, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली कंप्लीट कर लिया, 2 दिन लगे मुझे। तो अच्छी सीरीज़ थी, तो इन सीरीज़ वालों का फ़ायदा हो गया लॉकडाउन में। तो ये मेरा लॉकडाउन का रूटीन था, क्योंकि मुझे अभी स्कूल जाना नहीं है तो मैं घर पे रहती हूँ। ऑलमोस्ट 7 डेज में मेरा 5 डेज ऐसा ही जाता है, 3 से 4 घंटे दोपहर का मैं डेस्क पे ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, चाहे वो स्कूल का काम हो चाहे वो एडिटिंग का काम हो, मैं वही करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।